तो भाई लोग, बहुत दिन हो गया आप सभी के लिए iOS टीम नहीं आया है इस चैनल पर। यार कुछ मेरे एग्जाम चल रहे थे सो इसलिए वीडियो नहीं आया है कुछ दिनों से। कोई नहीं, आज मैं फ्री हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ अमेजिंग iOS इंस्पायर्ड थीम लेकर आया हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, इन सभी थीम्स को अप्लाई करके आपके रेडमी एंड पोको फोन का जो होम स्क्रीन है, जो आइकन पैक है, जो लॉक स्क्रीन है और जो कंट्रोल सेंटर है, पूरी तरह से चेंज होने वाला है। और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत ही तगड़ा iOS थीम भी वेट कर रहा है। उस थीम का लॉक स्क्रीन बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको पसंद आएगा जरूर। उस थीम के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिना देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पहला iOS थीम है ना, एक बहुत ही कमाल का थीम है और इस थीम के अंदर कुछ खासियत भी छुपा हुआ है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा थोड़ी देर में। यह है इस थीम का होम स्क्रीन। परफेक्ट यहाँ पर आपको iOS स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और मजे की बात है, यहाँ पर जो आप विजेट देख पा रहे हो, ये विजेट आपके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर आइकन पैक भी देखो, कितना बढ़िया iOS स्टाइल में आइकन पैक देखने को मिलता है जो आप देख ही पा रहे हो। और बैकग्राउंड में जो वॉल पर है, ये मैंने चेंज किया है। इस वॉल पर का लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और गाइस, ये है इस थीम का सेटिंग्स। बहुत ही प्यारा सा मिनिमल iOS स्टाइल सेटिंग्स देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। सर्विस के अंदर आइकन्स एंड फोन स्टाइल भी आपको पसंद आएगा जरूर। और हाँ, सबसे कमाल का चीज है इस थीम का लॉक स्क्रीन। यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी आप लॉक बटन को प्रेस करोगे। और हाँ, और एक बात बोला तो भूल ही गया, ऊपर से नीचे जैसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिलेगा। और यहीं से आप अलग अलग कलर में ये वॉल पर चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन में, और ये चीज़ मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। तो थोड़ा बहुत आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और ये वाला थीम मैंने दो थीम यूज़ करके कस्टमाइज किया है खास आप सभी के लिए। पहला थीम का नाम है डार्क सेवन। ये एक बहुत ही पॉपुलर iOS थीम है हाइपर ओएस के लिए, और ये थीम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पे टैप करना पड़ेगा। जितना भी आप ऑप्शन देख सकते हो, सभी ऑप्शन को टिक करके जस्ट आप अप्लाई करो। सेकंड थीम का नाम है स्पार्क SB7। ये थीम भी आप डाउनलोड करो ऑफिशियल थीम स्टोर से, कस्टमाइज ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पर जो होम स्क्रीन है इसको टिक करके जस्ट अप्लाई कर दो। और अगर आपको बैकअप फाइल भी चाहिए ना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाओ ट्राई कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। इस वीडियो का सेकंड थीम भी एक बहुत ही अच्छा मिनिमल iOS थीम है और इस थीम के अंदर भी बहुत सारा फीचर छुपा हुआ है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये है इस थीम का होम स्क्रीन। बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेश iOS स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आइकन की स्टाइल है दोस्तों, काफ़ी कमाल का लगता है, बिल्कुल आईफोन जैसा। ये आइकन्स मुझे काफ़ी प्यारे लगे। यहाँ पर अगर आप अलग अलग आईफोन वाले वॉल पर अप्लाई करोगे तो होम स्क्रीन और भी बेहतरीन लगेगा देखने में। तो मैं कुछ आईफोन वाले वॉल पर भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और ये है इस थीम का कंट्रोल सेंटर। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल सेंटर चेंज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बिल्कुल आईफोन जैसा कंट्रोल सेंटर है हाइपर ओएस का, जिसके वजह से ये कंट्रोल सेंटर बिल्कुल आईफोन जैसा ही लगता है जो आप देख पा रहे हो। लॉक स्क्रीन में आपको बहुत ही अच्छा डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिलेगा जब भी आप लॉक बटन को प्रेस करोगे। और अगर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज भी करना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस पट्टी को ऊपर स्वाइप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, तो आप अलग अलग क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर विजेट स्टाइल भी आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी सबसे इसका पोजिशन चेंज कर सकते हो, इस क्लॉक का और कैलेंडर का, जो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी देखने को मिलता है। बस और कह जाइए भाई, इस थीम का नाम है क्लासिक 7, जो आप ऑफिशियल थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। बाकी बैकअप फाइल तो है ही। अभी बात करते हैं इस वीडियो का सबसे तगड़ा एक iOS थीम के बारे में, जो लोग वीडियो लास्ट तक देखा है खास उनके लिए। ये है इस थीम का होम स्क्रीन। परफेक्ट iOS स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यही नहीं, अगर आपको ये विजेट स्टाइल चेंज करना है तो आप जस्ट टैप करके ये दोनों विजेट को चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और यहाँ पर आइकन पैक्स भी देखो यार, परफेक्ट आईफोन जैसे यहाँ पर आइकन पैक्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा बिग साइज के आइकन्स है जो आप देख पा रहे हो। और ये है इस थीम का कंट्रोल सेंटर। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी मॉडिफाई हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। बिल्कुल यूनिक लगता है देखने में, आप देख ही पा रहे हो।
और ये है इस थीम के सेटिंग्स, काफी बढ़िया लगता है। अलग ही डिजाइन के यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखने को मिलता है, बैकग्राउंड में अलग से वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितना भी फॉन्ट स्टाइल है, आइकन पैक है सेटिंग्स के अंदर, वो आपको पसंद आएंगे जरूर। और सबसे अमेजिंग चीज है वो है इस थीम का लॉक स्क्रीन। जब भी आप लॉक बटन को प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पर काफी तगड़ा एनिमेशन देखने को मिलता है। और अगर आप कुछ इस तरह से स्लाइड करोगे तो और भी कुछ आईफोन जैसे यहाँ पर विजेट्स देखने को मिलता है, जो आप यहीं से यूज कर सकते हो सभी विजेट्स को। किसी दोस्त को फास्ट टाइम दिखाओगे तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। बाकी ये थीम मैंने दो थीम यूज करके आप सभी के लिए कस्टमाइज किया है। पहला थीम का नाम है सनसेट एट सी। ये थीम आप ऑफिशियल थीम स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, जितना भी ऑप्शन देख सकते हो सभी ऑप्शन को टिक करके अप्लाई करो। सेकंड थीम का नाम है किंग किला वन। ये थीम भी आप डाउनलोड करो, कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, होम स्क्रीन एंड यहाँ पर आइकन्स को टिक करके अप्लाई कर दो। बस और क्या, ये थीम आपके लिए रेडी हो चुका है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस ये थीम आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताओ। तो यही थे गाइस आप सभी के लिए न्यू iOS इंस्पायर्ड थीम, जो आप ट्राई करना आपके रेडमी एंड पोको फोन में। अगर आपको और भी कुछ बेहतरीन iOS इंस्पायर्ड थीम ट्राई करना है तो लेफ्ट साइड बिल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ बेस्ट हाइपर ओएस थीम ट्राई करना है तो राइट साइड बिल पे क्लिक कर सकते हो। आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़ा हुआ है चैनल पर, जाओ एक बार चेक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।